नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश। दोस्तों आज बात करते हैं कि हमें खुद ही नहीं पता कि हम क्या हैं। तुम कौन हो? तुमने मान लिया कि तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तुम्हारा नाम रमेश है या अमित है या कोई भी नाम हो, लेकिन ये सब बाहर के अवयव है, भीतर का हमें कुछ पता ही नहीं। हिंदू धर्म में पैदा होते हो तो हिंदू कहलाते हो, मुस्लिम में पैदा होते हो तो मुस्लिम कहलाते हो, उस हिसाब से हमारे कस्टम और ट्रेडिशन बन जाते हैं। तुमने मान लिया कि तुम हिंदू हो चाहे कोई भी हो, लेकिन भीतर का तुम्हें कोई पता ही नहीं, कोई एहसास ही नहीं। इसीलिए तो इंसान धर्म की खोज करता है कि वो क्या है वो जान ले। जिसने ये जान लिया कि आप कौन हो, तो आपका काम ख़त्म हो गया दोस्तों। फिर किसी चीज़ के लिए तुम पागल नहीं बनोगे, तुम इंसान की तरह रहोगे, जानवर नहीं बनोगे। लेकिन हमें पता ही नहीं, हम सब बेहोशी में जी रहे हैं। कोई भी मज़हब हो, कोई भी धर्म हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या हो ये इम्पोर्टेंट है, यानी कि आप को अनुभव होना चाहिए कि आप कौन हो। वो कैसे होगा? उसका एक ही उपाय है दोस्तों, ना पहले कभी था ना आगे होगा, और वो है मेडिटेशन, ध्यान। अगर तुम भीतर डुबकी लगाना जानोगे, चाहोगे, तो ही जान पाओगे। जिसने भी भीतर डुबकी लगाई वही जान पाया, चाहे बुद्ध है, चाहे महावीर है, चाहे कोई भी हो, गुरु नानक जी है, कबीर है, रामदास स्वामी है, एकनाथ स्वामी है, कितने सारे लोग हैं, संत तुकाराम जी है। भीतर का पता जब तक नहीं चलेगा तब तक कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। इसीलिए अपने आप को जानने के लिए रोज़ मेडिटेशन करो, कम से कम आधा घंटा तो करो। आधा घंटा मेडिटेशन नहीं किया तो कोई फ़ायदा नहीं। वैसे ही 2-3 घंटा तो आप फोन देखते ही हो, आधा घंटा के लिए अपने आप को बंद कर लो कमरे में और मेडिटेशन करो, देखो आपको इतना अच्छा लगेगा। ऐसा फिर रोज़ करने का मन करेगा, और रोज़ करोगे तभी आपको एक दिन वो अनुभव हो जाएगा। सिर्फ शांति से बैठ जाओ, कुछ मत करो, सिर्फ शांति से बैठ जाओ। ये मन है ना, तभी हरता है जब आप शांति से बैठोगे। मन तो कहेगा कि आंखें बंद, आंखें खोलकर कोई म्यूज़िक सुन ले या कहीं घूमने चले जा, लेकिन तुम जाना मत, आंखें खोलना ही मत। आधा घंटा का अलार्म लगा दो तभी ये सब हो पाएगा। शुरू शुरू में प्रॉब्लम होगा आपको, शुरू शुरू में ऐसा लगेगा कि ये सब क्या चल रहा है। धीरे धीरे आपको इतना सुकून मिलेगा, आत्मा का अनुभव होगा, और एक दिन वो परम ज्योति आपको दिख जाएगी, एक दिन वो प्रकाश आपको दिख जाएगा। फिर आप किसी भी धर्म के हो कोई फर्क नहीं पड़ता। करके देख लो, करके देखने में क्या जाता है। बुद्ध और महावीर, उन्होंने कभी किसी भगवान को नहीं मारा, केवल ध्यान किया और ध्यान से ही सब कुछ पाया। ध्यान भी एक साइंस ही है दोस्तों, इनर साइंस। ध्यान में जो कुछ मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। बुद्ध सब कुछ करके थक गए, 6 साल तक सारी क्रिया की, 6 साल में न जाने कितने गुरु बदल दिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और कहा कि जब तक आत्मा अनुभूति नहीं हो जाती तब तक आँख नहीं खोलूंगा। और वही तो जो भीतर था वही उसको दिख गया, वो जान लिया
दोस्तों आप में और बुद्ध भगवान में कोई अंतर नहीं है, लेकिन आपको ही पता नहीं है कि आप खुद बुद्ध हो। ध्यान करोगे तब पता चलेगा। भगवान का बेटा भगवान ही हो सकता है, हम सब उसके बेटे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं, तो कैसे पता होगा? तो ध्यान करोगे तब पता चलेगा कि तुम भीतर से क्या हो, ईश्वर तुम्हारे कितने निकट है, वो भीतर से ही पता चलता है। जिसने भीतर डुबकी नहीं लगाई उसने कुछ भी नहीं पाया। भीतर ही गंगा है, भीतर ही सरस्वती है। तुम एक बार जाकर के देखो, अपने आँख बंद करके आधे घंटे के लिए चले जाओ, रोज करो, बहुत सुकून मिलेगा, बहुत शांति मिलेगी और तभी असली धर्म तक आप पहुंच पाओगे। ध्यान ही धर्म है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।